ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 29 मई 2020 फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और सुबह के 8:21 हो रहे हैं। तो कई सारे लोगों का मैसेज आया था कि बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कीजिए। तो आज फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो आने वाले मंथ में, आने वाले वीक में क्या ट्रेडिंग लेवल्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 20 मई आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर देखना है आपको तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल में था 9,350 और ब्रेकडाउन लेवल था 9,244। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स जस्ट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर यहाँ ओपन हुआ और ये ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट टेस्ट करके फिर से टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ मूव हुआ। और जैसे ही ये इसने फर्स्ट टारगेट 9,407 ये अचीव किया, इसके पास काफ़ी टाइम बिताया, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स यहाँ पर इस लेवल को पेनेट्रेट किया। फिर एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट 9,435 ये यहाँ पर अचीव किया। इस लेवल को भी काफ़ी देर तक ये पेनेट्रेट कर रहा था और इसको भी जैसे ब्रेक किया निफ्टी इंडेक्स और ऊपर की तरफ मूव हुआ। और जैसे हमने गैप अप, अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो उसके बाद अगर सेकेंड टारगेट के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो हमारा स्ट्रैटेजी था कि हमारा नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट 9,490 का होगा। तो आप देख सकते हैं इसी लेवल के पास इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया है और कल का लो भी एग्जैक्ट 9,490 का एग्जैक्ट लो है। तो काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुए। यहाँ से जब ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा था तो एग्जैक्ट सेकंड टारगेट के पास इसने ये सपोर्ट टेस्ट किया है 1, 2, 3, 4 बार। तो काफ़ी ये लेवल्स जो थे काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। सुबह 1-1.5 घंटे के ट्रेडिंग के बाद ये कि इस पैटर्न में रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेवल्स काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए थे, 9,490 एग्जैक्ट क्लोज मिला था। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 50 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 37,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो इन लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया था, उसका एक रीज़न था जो पास्ट के जहाँ से फॉल आया था, अभी जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बन रहे थे उसको हमने वीडियो में आइडेंटिफाई किया था। और एक टूल था जिससे हम ये लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे, वो था फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल। अभी जो कि मार्केट रैली दिखा रहा है तो इसका अगर ये जो स्विंग लो और स्विंग हाई पकड़ के अगर हम फिबोनाची ये एक्सटेंशन टूल को अगर ड्रॉ करें, यहाँ पर और एक लेवल में ऐड कर देता हूँ 76.4। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमने ये यहाँ पर टारगेट्स जो थे ये लेवल्स यहाँ पर मार्क किए थे। 100% का लेवल एग्जैक्ट 9,488 हमने राउंड फिगर कर दिया था 9,490 के पास। तो इसने ये जो स्विंग हाई लो बना है इसका 100% का एक्सटेंशन लेवल एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आ रहा था जहाँ पर हमें क्लोज मिला है। अगर सेकेंड टारगेट कल का देखें 9,435, ये लेवल 76.4 के पास आ रहा था एग्जैक्ट। तो इसी लेवल के पास ही ये इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, काफ़ी देर इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था इस जगह पे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल काफ़ी मैटर करता है। अगर वहाँ पर ही एग्जैक्ट पास्ट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स अगर आते हैं तो ये काफ़ी वर्क करता है मार्केट्स में। तो इन रेशियोज को भी हमें देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग और जो पास्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स बन रहे थे इनके अकॉर्डिंग इन लेवल्स को हमने कल मार्क किया था।
तो ये जस्ट कल के एनालिसिस का एक रिव्यू था। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल यूएस मार्केट में फिर से एक बार दो तीन दिन के तेजी के बाद एक करेक्शन देखने को मिला। नासडैक करीब 43 पॉइंट्स के गिरावट के साथ बंद हुआ। यूएस और चाइना के बीच में फिर से टेंशन बढ़ रहे ट्रेड वॉर को लेकर। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो कल जो क्लोज हुए थे वो हरे निशान में क्लोज हुए थे, लेकिन जब आज एशियाई मार्केट्स नया मंथ का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाला है तो पहले ही दिन यहाँ पर लगभग सभी मार्केट्स देखे एशियाई बाजार तो लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखे तो 77 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो एशियाई बाजारों को देखें तो हो सकता है आज थोड़ी कमजोरी निफ्टी इंडेक्स में भी देखने को मिले, लेकिन कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है, मंथली वीकली फिर डेली चार्ट को एनालिसिस करेंगे। मंथली चार्ट को अगर हम देखें तो ये जहाँ से इसने बॉटम लगा के एक जबरदस्त अपसाइड मूव लगाया था, इसका बॉटम और टॉप पकड़ के हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर ये जो 76.4% का लेवल है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल, यहाँ पर कंटिन्यूज अभी 3 मंथ्स हो चुके हैं, यहाँ पर कंटिन्यूज ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। यानी 17,900 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स और भी टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव कर सकता है। अभी फिलहाल मार्च का ये जो कैंडल बना है, जैसे निफ्टी इंडेक्स का कैंडल था उसके हाई और लो के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, तो ना ही यहाँ पर कोई हायर हाई हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना रहा है, ये इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है। तो ये काफ़ी क्रूशल होगा 17,900 का सपोर्ट। और ऊपर ये देखिए 100 ईएम में जो है ये ग्रे लाइन, ये अराउंड अभी 20,498 यानी 20,500 के पास है, ये काफ़ी यहाँ पर दिक्कत भरा हो सकता है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और प्रीवियस हाई को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ही यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एज पर मंथली चार्ट 17,900 का सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल 20,500 के पास है। तो ये मंथली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट को अगर देखें तो ये जो है ओवरसोल्ड जोन में से आरएसआई बाहर निकल रहा है, और ऊपर प्राइस एक्शन को देखे तो यहाँ पर अभी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनने वाला है या बन सकता है, ऐसा हम एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। अभी का फिलहाल का सिनेरियो देखे तो यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते। यहाँ से इसको अगर ये ऊपर आता है तो ये डबल बॉटम यहाँ पर कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद नेक लाइन का ये ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है। अब इस ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ये डाउन ट्रेंड का बन रहा है वीकली चार्ट में, क्योंकि 150 और ये 20 ईएमए तीनों भी मूविंग एवरेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये ऐसा पैटर्न यहाँ पर बनता है, ये प्रॉबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। अगर ये यहाँ से टूवर्ड्स ये जस्ट नॉर्थ की तरफ बढ़ता है और फिर से नीचे आते वक्त ये जो सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर दो बार इसने वीकली चार्ट में सपोर्ट टेस्ट किया है, तो अगर ये ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी इंडेक्स और भी टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव कर सकता है। तो आने वाला पैटर्न हमें ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन दे सकता है। तो अभी फिलहाल वीकली चार्ट में डबल बॉटम फॉर्मेशन बनने की उम्मीद है। आने वाला समय ये चार्ट पैटर्न्स क्या क्रिएट करता है ये हमें बता सकते हैं। तो डेली चार्ट पर चलते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के। तो ये 20 ईएमए को फिर से एक बार इसने टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हमें ब्रेकआउट दिया है, इसके ऊपर ये क्लोज हुआ है, लेकिन अगर पास्ट में देखें तो ये एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और अभी ये चौथी बार यहाँ पर इसने 20 ईएमए के ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन लास्ट 3 टाइम्स को देखे तो ये फेल्यूर यहाँ पर फेल हुआ है। 2 बार ऊपर क्लोज होने के बाद फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ इसने मूव दिखाया। तो अभी यहाँ पर अगर ये फिर से 20 ईएमए यानी 18,750 के पास अभी ये प्लेस है, अगर इसके नीचे चला जाता है तो यहाँ से फिर से एक बार हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर अगर हायर आए हायर लोज का पैटर्न बनाता है निफ्टी इंडेक्स। ये चौथी बार है 20 ईएमए के ऊपर ये क्लोज हुआ है, तो
अगर यहाँ से ऐसा पैटर्न हमें कंटिन्यू और एक बार देखने को मिलता है तो ये फिर से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एज पर डेली चार्ट फर्स्ट सपोर्ट तो आ रहा है 18,750 का, अगर ये ब्रेक होता है तो इसके नीचे जहाँ पर इसने 3 बार ये सपोर्ट टेस्ट किया है 17,100 के पास, ये मेजर सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपर जाते वक्त फर्स्ट हर्डल तो ये 50 EMA का होगा जो कि अराउंड अभी 20,600 के पास प्लेस है। तो ऊपर ये रेजिस्टेंस और नीचे ये दो सपोर्ट के लेवल्स होंगे, इसके अकॉर्डिंग आने वाले वीक में आप अपना बैंक निफ्टी का प्लान ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट को देखते हैं। ये निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से देखें तो इसने तीसरी बार 20 EMA के बाद ये 50 EMA तक पहुँच गया है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और अभी ये थर्ड। तो क्या ये फिर से 50 EMA एक हर्डल साबित होगा या फिर इसके ऊपर सस्टेन होगा? अभी तो रेजिस्टेंस यहाँ पर 50 EMA का बना हुआ है जो कि 9,450 के पास है। तो आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, तो इसके ऊपर अगर ये क्लोज होता है 50 EMA के ऊपर, हायर आए हायर लो बना के, तो चांसेस होंगे निफ्टी इंडेक्स में और तेजी देखने को मिल सकती है। अगर कल का ये लो ब्रेक करता है यानी 9,336 के नीचे चला जाता है तो फिर से एक बार 20 EMA के पास नेक्स्ट सपोर्ट होगा जो कि अराउंड 9,177 के पास है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल सकती है। नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है नए मंथ का, तो हो सकता है जैसे अप्रैल में हमने देखा कि अप्रैल के लास्ट डे में जबरदस्त यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी, हालांकि जैसे ही मई का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तो फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिली। तो अभी फिलहाल जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के वजह से, लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन 31 मई को खत्म हो रहा है, उसके बाद गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस रीओपन होगा या नहीं। तो अकॉर्डिंगली ये जो संडे है उसके बाद जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी हो तो संडे के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट अपने डिसीजंस लेगी उसके अकॉर्डिंग अगर आप आने वाले वीक में प्लान करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। तो आज के लिए क्या निफ्टी इंडेक्स के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल के हाई के ऊपर यानी 9,508 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 1 मिनट, 9,510 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,555, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा एक छोटा सा क्विकली, सेकंड टारगेट होगा 9,575, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर आर्ली चार्ट में देखें तो कंटिन्यूस कल जैसे कि हमने सेकंड टारगेट के पास सपोर्ट देखे थे, 3 4 बार इसने सपोर्ट टेस्ट किया था, तो वो जो सेकेंड टारगेट का लेवल था यानी ऑलमोस्ट 9,433 के पास, ये हमारा हो सकता है आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल, यानी 9,430 को मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकडाउन लेवल, और इसके नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,397, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 9,357, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।